आपको भी लड़की से नंबर मांगना पड़ सकता है भारी। कहीं नंबर मांगने पर ना लग जाए आपको भी यौन उत्पीड़नता का केस, या फिर कहीं पुलिस ना कर दे आपकी पिटाई, क्योंकि गुजरात में रहने वाले समीर रॉय के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। समीर एक महिला से नंबर मांगने पर यौन उत्पीड़न का केस ठुकवा चुके हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि किसी लड़की से नाम और नंबर पूछना गलत तो है, लेकिन इसे यौन उत्पीड़न मानना बिल्कुल गलत है। दरअसल पुलिस ने गांधीनगर के समीर रॉय के खिलाफ केस दर्ज किया था। समीर पर एक महिला से नाम और नंबर और पता मांगने का आरोप लगाकर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक समीर के खिलाफ 26 अप्रैल को केस दर्ज किया गया। समीर ने हाई कोर्ट को बताया कि जब उन्होंने पुलिस पर अत्याचार करने का आरोप लगाया, तब उन पर यौन उत्पीड़नता को लेकर केस कर दिया गया। समीर का कहना है कि 25 अप्रैल को पुलिस ने उन पर टॉर्चर किया, इसको लेकर उन्होंने पुलिस के खिलाफ भी शिकायत कर दी थी। उन्होंने पुलिस पर फ़ोन छीनने और उनका डेटा डिलीट करने का आरोप लगाया था। अपनी याचिका में समीर ने कहा था कि उन्हें इस यौन उत्पीड़न के केस के बारे में 9 मई को पता चला। गुजरात हाईकोर्ट ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस नियजर देसाई ने कहा कि अगर ये कहता है कि आपका नंबर क्या है तो ये गलत तो है, लेकिन FIR दर्ज करने के लिए ये कोई केस नहीं है, इसमें क्या कोई गलत इरादा नहीं दिखता है। जस्टिस नियजर देसाई ने कहा कि हाँ, ये नंबर मांगना अनुचित हो सकता था, लेकिन कोर्ट का मानना है कि यदि IPC की धारा 354 को देखा जाए तो ये यौन उत्पीड़नता और इसकी सज़ा के बारे में है। दरअसल महिला ने IPC की धारा 354A के तहत युवक के खिलाफ यौन उत्पीड़नता की शिकायत दर्ज कर दी थी। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर FIR में लिखी बातें सच भी हैं तो भी युवक द्वारा महिला से नंबर मांगना यौन उत्पीड़नता नहीं हो सकता, ये अनुचित है लेकिन यौन उत्पीड़नता बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।